डंकी बनाम सालार एडवांस बॉक्स ऑफिस प्री रिलीज व्यवसाय के आंकड़े एक अप्रत्याशित प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं, जहां शाहरुख खान की कॉमेडी ड्रामा पहले दिन के व्यवसाय के मामले में प्रभास के महाकाव्य एक्शन से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 2023 की दो सबसे प्रतीक्षित भारतीय फिल्मों राजकुमार हिरानी की शाहरुख खान स्टारर डंकी और प्रशांत नील की प्रभास स्टारर सालार पार्ट एक सीज़फ़ायर के बीच हाइटेन बॉक्स ऑफिस क्लैश की उल्टी गिनती जारी है। 21 दिसंबर को डंकी और उसके एक दिन बाद सालार रिलीज होने वाली है। हाल ही में शुरू हुई एडवांस बुकिंग के बाद दोनों फिल्मों के टिकट हॉटकेक की तरह बिक रहे हैं। हालांकि प्री रिलीज व्यवसाय के आंकड़े एक अप्रत्याशित प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं, जहां कॉमेडी ड्रामा डंकी पहले दिन के व्यवसाय के मामले में महाकाव्य एक्शन थ्रिलर सालार से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैटमिल के मुताबिक केवल हिंदी में रिलीज होने वाली डंकी ने देश भर में 9,681 शो के लिए 252,207 टिकट बेचकर 7.39 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं सालार अब तक सभी भाषाओं में केवल 6.01 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। फिल्म ने 4,338 सूचीबद्ध शो के लिए 247,572 टिकट बेचे हैं। सालार के अग्रिम बुकिंग व्यवसाय का नेतृत्व मुख्य रूप से इसके तेलुगु संस्करण ने किया, जिसने 3.5 करोड़ रुपए कमाए। इस बीच इसके हिंदी संस्करण ने सोमवार को रफ्तार पकड़ी और टिकटों की बिक्री बढ़कर 36.097 हो गई और 1.1 करोड़ रुपए की कमाई हुई। सालार के मलयालम संस्करण के मामले में अब तक 905 शो के लिए 65,809 टिकट 98 लाख रुपए बेचे गए हैं, जबकि फिल्म के तमिल और कन्नड़ संस्करण में 9,446 टिकट 12 लाख रुपए और 4,673 टिकट 9.9 रुपए की बिक्री देखी गई है। लाख क्रमशः 2023। बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टॉप बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।